मध्य प्रदेश में फिर से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। शिक्षक भर्ती और आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सीहोर में उग्र प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस नेता सर्वेश व्यास ने कहा कि प्रदेश का युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बलवीर तोमर की उपस्थिति और युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राजीव गुजराती के नेतृत्व में व्यापक घोटाले, आरक्षक भर्ती घोटाले, बेरोजगार, रोज बढ़ती महंगाई, ग्रामीण क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती में युवा कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल मशाल यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हाथों में मशाल और पोस्टर लिए युवाओं और कांग्रेसजनों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष और सीहोर जिले के प्रभारी अभिषेक परमार उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलवीर तोमर ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण आज आम जन का जीना मुहाल हो गया है। प्रदेश की सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा कि युवाओं को सड़क पर आकर इस युवा विरोधी सरकार की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, उसने फिर पिछले व्यापम घोटाले को दोहराते हुए व्यापम टू पीवी घोटाला फिर चालू कर दिया हो, चाहे आरक्षक भर्ती घोटाले का मामला हो या फिर अन्य भर्तियों में घोटालों का मामला हो। आप देखें कि रिजल्ट में कभी पास बता दिया जाता है और थोड़ी देर बाद उन शिक्षकों को फेल बता दिया जाता है। दूसरी ओर बेरोजगारी से युवाओं में हाहाकार है। तीसरी ओर आम जनता महंगाई से परेशान है और ये सरकार अपने मद में बिल्कुल मस्त है। हमने सरकार को जगाने के लिए, इसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए आज इस आंदोलन का फैसला लिया। आज हल्ला बोलेंगे और इस मध्य प्रदेश सरकार को जनहित में जगाने का काम करेंगे। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।